हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार, आज एक बार फिर से मैं अपने मित्र के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं अनसिक्योर्ड लोन। सही सुना, अनसिक्योर्ड लोन, बिना डॉक्यूमेंट, बिना पेपर, कुछ पेपर, मैं ये नहीं कहूँगा बिना पेपर, कुछ पेपर के साथ आप कैसे 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ये हम केवल बात करने वाले हैं वैसे लोगों के लिए जो कि अपना कोई स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए। ये सैलरी क्लास के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो लोन है सैलरी क्लास पे अप्लीकेबल नहीं होता। तो आज मैं श्वेत से समझने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको 5 लाख तक का लोन चाहिए तो कैसे मिलेगा, बहुत ही मिनिमम पेपर, बिना कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों के थ्रू। हम किसी कंपनी का नाम लेने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं बात करूंगा। तो श्वेत, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अगर मुझे 5 लाख तक का लोन चाहिए, मेरे पास पेपर भी बहुत कम है, पहले हो सकता है या नहीं हो सकता? हेलो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा, ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हर वो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो अपना काम शुरू कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। यहाँ पे 5 लाख तक का लोन आपको बिल्कुल मिल सकता है, विदाउट मतलब बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, कोलैटरल नहीं है, मतलब आपको कुछ गारंटी देने की जरूरत नहीं है, कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, इसे अनसिक्योर्ड लोन इसीलिए कहा जाता है। चलिए ठीक है, तो मुझे इसमें एक बात बताइए कि ये पहले तो जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको मिल सकता है, लेकिन कुछ तो कंडीशन होगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना कोई पेपर और बिना डॉक्यूमेंट मुद्रा लोन भी वैसे नहीं मिल पाता। अगर मुद्रा लोन के लिए भी आप जाते हैं तो उसमें भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, और तो और प्रोसीजर थोड़ी सी पहले से ज्यादा आप कह सकते हैं कि ट्रीडियस हो गया, इतना आसान नहीं रहा। तो मुझे नहीं लगता कि बिना पेपर के कुछ होने वाला, लेकिन अनसिक्योर होते हुए क्या क्या मुझे पेपर की जरूरत पड़ेगी? एक बेसिक आदमी जब किसी कहीं पे इस तरह के लोन के लिए जाता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके मिनिमम होने चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जिस्टेंस प्रूफ एटलीस्ट 2 ईयर्स का होना चाहिए। यानी कि मोटा मोटी मैं कहूँ तो 2 साल से आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और उसका कोई प्रूफ होना चाहिए आपके पास, कोई भी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन प्रूफ होना चाहिए आपके पास, वो GST भी हो सकता है। अच्छा, तो कहने मतलब है कि रजिस्ट्रेशन का मतलब कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं, मैं इसको सिंपली अगर सिंपल सिंपलीफाई करने की कोशिश करूं तो सुरेश का कहना यह है कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसके एस्टेब्लिशमेंट का या तो GST हो या किसी भी तरह का गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन एक चीज आप बताएं कि हो सकता है कि मेरी जो टर्नओवर थी GST लिमिट के नीचे थी, उस केस में मेरे पास फिर कैसे होगा? क्या उसके लिए कुछ बैंक टू बैंक वेरी करता है? नहीं, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, बैंक टू बैंक वेरी नहीं करता है। सपोज अगर आपका बिजनेस मोर देन 2 ईयर्स ओल्ड है तो आपके पास डेफिनेटली को किसी न किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन प्रूफ जरूर होगा, चाहे सर्विस टैक्स हो, चाहे वैट हो, या शॉप एस्टेब्लिशमेंट है। हाँ, सर्विस टैक्स एंड वैट तो अब तो एबोलिश हो चुका है, तो उसकी जगह पे GST है, लेकिन GST के अपने एक दायरे हैं। ठीक, हो सकता है रेंट एंड शॉप एस्टेब्लिशमेंट हो या किसी और भी तरह का कोई गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या चाहिए मुझे? इसके अलावा आपको चाहिए आपका 2 साल का ITR होना चाहिए, एंड दैट शुड बी मिनिमम ऑफ 1.5 लाख्स, ओनली 1.5 लाख्स। नॉर्मली आपको कहीं भी अनसिक्योर्ड लोन मतलब इतने कम ITR पे नहीं मिल सकता है, यहाँ पे आपको 1.5 लाख्स के ITR पे लोन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम लोग जो सोचते थे कि अगर आपकी टैक्सेबल लिमिट के नीचे है तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इस तरह का लोन चाहिए फिर तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये लोन देखिए सबसे ज़्यादा सूट किसको करता है, सपोज कोई रिटेल शॉप वाला है, राशन की दुकान चला रहा है, वो कोई बहुत ज़्यादा उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, बहुत ज़्यादा वो ITR नहीं फाइल करता है, तो उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट लोन है। 5 लाख तक का लोन उनको मिल सकता है, वो अपना केवल 1.5 लाख तक का ITR अगर भर रहे हों तो। तो अब मैं चाहूँगा कि आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट फिर से एक बार रिपीट करें। एक तो मेरा ये हो गया कि 2 साल का मिनिमम आपको ITR चाहिए, बिल्कुल, जिसमें कि मिनिमम 1.5 लाख का इनकम दिखाया गया। याद रखिएगा कि जो हमारी टैक्सेबल लिमिट है उससे ये नीचे, यानी आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पेपर आपने क्या कहा, एक ओनरशिप प्रूफ भी आपको चाहिए? बिल्कुल, एक ओनरशिप प्रूफ इसलिए चाहिए क्योंकि एक अनसिक्योर्ड लोन है, तो बैंक एटलीस्ट ये देखने की कोशिश करता है कि आपका दिल्ली NCR में या तो अपना घर हो या आपका अपना ऑफिस हो, दो में कोई भी एक प्रेमाइस आपका अपना होना चाहिए, वो आपके पेरेंट्स के भी नाम पे हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि मैं अगर दूसरे लहजे में बात करूं तो कहीं ना कहीं मैं सिक्योर की तरफ बात कर रहा हूं, क्योंकि एक रेसिडेंशियल पेपर सबमिशन नहीं हो रहा है, लेकिन आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। नहीं, जब आप कह रहे हैं सिक्योर्ड लोन में क्या होता है, वो प्रॉपर्टी आपका मॉर्गेज हो जाता है। यहाँ मॉर्गेज नहीं हो, कोई मॉर्गेज नहीं। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको एक प्रूफ देना है कि आप दिल्ली में आपका अपना कुछ है। तो यानी कहने का मतलब अगर आप इंडिया में आप कहीं पर भी हैं और अगर इस तरह के लोन अप्लाई करते हैं तो आपकी एक कंडीशन ये भी है कि आपके पास उस एड्रेस का कोई ना कोई या कहीं भी उस लोकेशन का, या दिल्ली, मुंबई,
कहीं भी आप रहते हैं तो आपको उस लोकेशन का एक पेपर यानी कि ऑनरशिप का पेपर आपके पास कोलेट्रल की तरह नहीं जाएगा, लेकिन आपको सबमिशन देना पड़ेगा कि ये है मेरे पास। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो एक तो आपको गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या किसी और भी तरह का गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। सेकंड मुझे एक इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए मिनिमम दो साल का 1.5। थर्ड मुझे ऑनरशिप प्रूफ चाहिए कि आपके पास या आपके पेरेंट के पास कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं। याद रखिए उसका पेपर नहीं देना, बहुत क्लियर शब्दों में कह रहा हूं कि आपको उसका पेपर नहीं देना, नहीं देना। उसके अलावा और क्या चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए? आपको क्या चाहिए? अपने करंट अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट चाहिए ऑफ लास्ट वन ईयर। अच्छा, तो कहने का मतलब कि अब मुझे एक चीज ये भी है कि मुझसे उससे बिजनेस, लेकिन एक चीज बताइए कि हो सकता है कि मैं एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप चला रहा हूँ और मैं बैंक में पैसे जमा नहीं कराता हूँ, कैश में आया, कैश में ट्रांजेक्शन हो रहा है मान के चलता हूँ, उस केस में भी हो सकता है कि मेरे जो करंट अकाउंट हो उसमें बहुत लिमिटेड ट्रांजेक्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास बस एक करंट अकाउंट होना चाहिए, और इनफैक्ट यहाँ आपको करंट अकाउंट नहीं होने का भी वेवर मिल सकता है, अगर आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो भी काम बन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, एक चीज समझिए कि आज जो हमारा ये पूरा वीडियो था ये केवल अनसिक्योर्ड के लिए था, क्योंकि काफी लोगों ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा कि अनसिक्योर्ड लोन कैसे होगा। तो ये पूरा वीडियो उन्हीं के लिए। साथ के साथ एक चीज और बताऊं, ये जो हमारे मित्र हैं ये लोन के ही एक्सपर्ट हैं। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं और किसी भी तरह का लोन में, इस तरह के लोन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कॉमेंट बॉक्स में आपके कॉमेंट करें, अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर वहाँ पे छोड़ के जाएं, हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपको उस लोन को दिलवाने में भी मदद करेगी। इसके अलावा हमें कोई और चीज़ तो चाहिए नहीं, बाकी हम नॉर्मल KYC, उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, दैट्स इट। तो कहने का मतलब अगर आपको लोन की भी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, हम आपकी मदद करेंगे इस लोन को मिल पाने में। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और अपने मित्रों में जिनको भी अनसिक्योर्ड लोन चाहिए उनको ये बताएं, उनको ये वीडियो दिखाएं, ताकि उनको भी पता चल सके कि अनसिक्योर्ड लोन भी इजीली हो सकता है। लेकिन जो हमने अपने लोन के बारे में बात की केवल NCR में, दिल्ली NCR में हम आपकी मदद कर सकते हैं, दिल्ली NCR के बाहर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हम आपको गाइड कर सकते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है, उस तरह की परेशानी आ रही तो हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूले। साथ के साथ हम ऐप स्टोर पे भी हैं, आप एंड्रॉइड पे जा सकते हैं, साथ के साथ हम फायर टीवी पे हैं और अब एंड्रॉइड टीवी पे भी हैं, तो आप कहीं पे भी जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।